वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त सी बिस्काटी बनाते हैं, आमंड कुकीज़ कह ले, बादाम वाले कुकीज़ या फिर केक रस का बहन भाई, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखें, सबसे पहले हम बटर डालेंगे और बटर से बनाना जरूरी नहीं है, बटर से बनाएंगे तो टेक्सचर एक जरा सा हल्का आएगा और घी से बनाएंगे तो थोड़ा सा हैवी आएगा, लेकिन जिनको जो यूज करना हो फील फ्री यूज कर सकते हैं। तो देखें, मैं लूंगी 6 टेबलस्पून बटर, तो आप 6 टेबलस्पून घी ले सकते हैं। और बेकिंग के वक्त जैसे कि मैंने बताया है कि हर चीज़ रूम टेम्परेचर होना ज़रूरी है। तो चले, ये बटर चला गया हमारा, और सेम यहाँ अंडे, अंडे भी रूम टेम्परेचर होना ज़रूरी है। तो यहाँ हम डाल देंगे 2 अंडे। रूम टेम्परेचर सारी चीज़ें हो तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसको हम हाथ से भी कर सकते हैं, बीटर से भी कर सकते हैं, और ये एग बीटर से भी कर सकते हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इतना इजी और झटपट बन जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप शक्कर। अगर आप कम पसंद करते हैं थोड़ा कम डाल दें, और ज़्यादा खाना चाहें तो ज़्यादा डाल दें। ये मैंने डाली है 1 कप शक्कर। अब इसके साथ बीट कर लेंगे। ये हमारी शक्कर जो है पाउडर नहीं है, लेकिन हमारी थोड़ी बारीक होती है। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा कुछ बीट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे कि आपकी शक्कर अच्छे से मिक्स हो गई है, बस जब तक ही करेंगे। ये देखें, अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून वेनिला। अगर आपको वेनिला नहीं डालना है तब आप इलायची पाउडर डाल दें, किसी भी किस्म की खुशबू जो आपको अच्छी लगती हो। तो चले, मैं वेनिला डाल देती हूँ। बस देखें, ये हो गया। कितना सिंपल सा है, हाथ से भी बड़े इजी से हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, देखें, हमारे पास यहाँ मैदा है जो कि है 1 कप। बहुत भर भर के नहीं, बिल्कुल काट के। हमेशा बेकिंग में हर चीज़ काट के जाएगी। और अगर आप कप लेते हैं, मेजरिंग कप, जैसे 250 ml का कप मैं यूज़ करती हूँ ना, तो कोशिश करें कि 1 कप, 1 स्पून भर के उसमें डालें और इस तरह से भर लें कप। डायरेक्ट आटे में डाल के ना भरें, क्योंकि इससे क्या होगा कि ज़्यादा भर जाएगा। इस तरह डालेंगे तो मेजरमेंट बिल्कुल सही होगा। तो ये मेरा 1 कप है, इसको मैं सिफ्ट कर लेती हूँ, इसमें डाल देती हूँ। और साथ ही इसमें डाल देंगे 2.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और साथ ही सिफ्ट कर देंगे। है ना, कितना इजी है अभी तक। अब क्या करेंगे, ये पेपर में जब डालते हैं ना, तो कोई भी चीज़ में डालने में बड़े इजी रहता है, उड़ता नहीं है, गिरता नहीं है, पड़ता नहीं है। इससे क्या है, नो मैस। चले, अब दोबारा थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया, थोड़ा सा निकाल लेंगे ये हमारा। चले, अब मशीन का जो काम है वो ख़त्म हो गया। देखा कितना इजी है, बेसिकली तो मशीन की ज़रूरत ही नहीं, आप हाथ से कर लेंगे, बड़ा अच्छा सा हो जाएगा। अब चूंकि आमंड है, आमंड कुकीज़ है, तो मैंने क्या किया, बड़ी बड़ी वो जो बादाम होती है ना, उसको इस तरह से काट लिया ताकि नज़र आए। ऐसे कतरना कम है, जो हो गई वो सही है, अदरवाइज़ बड़े बड़े हिस्सों में। क्वार्टर कप जो है रिक्वायरमेंट है, 4 टेबलस्पून। आप चाहें तो ज़्यादा डाल दें, मेरा ये तकरीबन 6 टेबलस्पून के आसपास है। तो इसको डालेंगे, और यहाँ मैंने लिए काली किशमिश जो कि 4 टेबलस्पून है। आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें, लेकिन डालते हैं तो मज़े का लगता है। तो ये चला गया इसमें। और अब देखें, हमारे पास यहाँ मैदा है जो कि है 3/4 कप, यानी 1 कप से कम और आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन इसी तरह मेजर करना है जैसे मैंने आप लोग को बताया है, पूरा एकदम भर नहीं देना है वज़न से। तो अब क्या करेंगे, इसको हम मिक्स करेंगे। अब ये क्या है, ये इसलिए सेपरेट रखा है कि ज़रूरी नहीं है कि ये सारा चला जाए, हो सकता है चला भी जाए। कभी कभी क्या होता है, किसी के अंडे छोटे हैं, बड़े हैं, मैदा जो है वो किस किस्म का है, उस हिसाब से ये सेपरेट रखा है।
मैं आपको बताऊंगी कि कंसिस्टेंसी बेसिकली हमें कैसी चाहिए। ये इस तरह से आटा डालेंगे, आटा मतलब मैदा, मैं हमेशा आटा कहती हूँ और सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये मेरा जो है मैंने आधा कप डाला है। चलो ये मिक्स करते रहेंगे हम, और उससे पहले हम क्या करते हैं अवन प्री हीट कर लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास यहाँ मुन्ना सा अवन है पीछे, तो इसको हम प्री हीट करते हैं। और इसको अवन में बनाना ज़रूरी नहीं है, जिस तरह से हम केक बेक करते हैं ना, तो आप देखें मेरी वीडियो केक बनाने की, बस इसी तरह पतीले में नमक डाल के और वो रिंग रखें और इसको अंदर डालते हैं 25-35 मिनट्स के लिए। चले और स्टार्ट करेंगे तो प्री हीट हो जाएगा। चले ये प्री हीट हो रहा है, जब तक हम ये मिक्स कर लेते हैं सही से, जो कि हमारा ऑलमोस्ट हो भी गया है। ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए, थोड़ी सी गूई टाइप की, जैसे हाथ में स्टिक हो, इस तरह से डो ना बन जाए। अगर ये डाल देंगे तो वो डो टाइप का बन जाएगा। तो आपको ये इस तरह से जैसे हाथ लगाए और चिकना चिकना महसूस हो ना, वैसा हमें चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, ये जैसे मेरे पास एक बेकिंग ट्रे है, तो बेकिंग ट्रे हमें ऐसी लेनी है जो हमारे ओवन में फिट हो जाए। तो चले अब ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा सा इसके ऊपर आटा डस्ट करते हैं ताकि हमारे बिस्काटी जो है वो चिपके ना, वही मैदा ही है। तो बस ये डस्ट कर लिया हमने, और अब हम इसका डो को लेंगे और इस पर लंबाई में सेट करेंगे। देखा ये स्टिकी है ना आटा, इस तरह से ही चाहिए हमें। पहले थोड़ा थोड़ा फैला लेंगे हर जगह, उसके बाद उसको सेट कर लेंगे। चल अब इसको करीब ले लेते हैं और इसको इक्वली फैला देते हैं। है ना इजी और इंटरेस्टिंग, और इतनी मज़ेदार लगती है, जार भर के रखा हुआ हो चाय के साथ कॉफ़ी के साथ आप खाएं, बड़े मज़े की लगेगी। और बाज़ार में लेने जाएंगे तो इतनी महंगी होती है, और आपने देखा कुछ करना ही नहीं है, कितना इजी है। तो चले ये बड़ा नीट लुक हो गया है, और अब इसको हम ओवन में डालते हैं। और जो सेल्सियस में देखना चाहते हैं उनके लिए 190 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली टाइमर हमने रखा है 25 मिनट का, लेकिन हम 20 मिनट्स में चेक करेंगे, अगर हो गया होगा तो निकालेंगे, वरना मिलते हैं 25 मिनट में। इसको अब हम कटिंग बोर्ड पे निकालते हैं। तो बस 2 मिनट का रेस्ट देंगे और फिर काटेंगे इसको। देखिए 2-3 मिनट हो गई है, और हम हाथ लगाएं तो इतना गर्म गर्म नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा भी ठंडा चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये भी सही है। तो चले अब हम इसे डायगनल में काटेंगे। अब आप पे है कि आपको कितने मोटा या कितना पतला रखना है, तो मैं एक दरमियाना रख रही हूँ, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। तो अब अगर आपने पतीले में बनाया है तो इसी तरह जब 30-35 मिनट्स हो तो आप निकालें, थोड़ा सा उसको बस हाथ लगाएं इतना ठंडा हो, इसी तरह काटें और दोबारा बिखेर दें, सेम चीज़ है। अब इसको हम यहाँ रखेंगे और बेक करेंगे दोबारा। ऐसे भी खा सकते हैं, जब मैं बनाती हूँ ना, और इस पोजीशन पे ज़ोई को बड़ा मज़े का लगता है, वो कहती है दानी सॉफ्ट सॉफ्ट मुझे दे दो, तो मैं उसे दे देती हूँ। लेकिन अब इसको हम क्रिस्पी करेंगे आपकी पसंद के मुताबिक कि कितना आपको क्रिस्पी चाहिए, क्योंकि जार भर के हमें रखना है, बिस्किट्स की तरह खाना है। तो चले वही टेम्परेचर 375 पे हम रखेंगे 8-10 मिनट तक।
चले तो फिर 10 मिनट में मिलते हैं और जब तक ये किनारे खाते हैं। देखा कैसी खतरनाक खुशबूएं आ रही है। अब आप चाहे तो आप इसको लाइटर कलर करें, डार्कर करें, आपकी मर्जी है। तो ये अब थोड़ी देर में ये ठंडे हो जाएंगे और एकदम क्रिस्पी और करारे हो जाएंगे। और रोजाना नाश्ते में बच्चों को लंच बॉक्स में दें, देखा कैसे झटपट बने। अभी अंदर से थोड़े थोड़े गर्म है, ऊपर से क्रिस्पी हो गए हैं। 10-15 मिनट में जब ये बाहर रहेंगे तो एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे, गजब के हो जाएंगे। चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े करें, धमाल मचाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।